दोस्तों मैं इसमें पुलबट्टा से आ रहा हूँ। मैं आपको आज लाल कुआं और हल्द्वानी दिखा। दोस्तों ये सीमा पे यहाँ पर पेड़ पौधे की और सर्च किया जाता है अंदर। केंद्र सरकार का दुकानें खुलने की तैयारी में थे और दोस्तों यहाँ पर जो आपको चेक पोस्ट दिखती होगी आगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, यहाँ हमेशा चेकिंग होती है। शायद मेरे लिए ना रोकें, वरना बाइक वाले को तो रोकते ही रोकते हैं, किसी ने नहीं रोका मेरे लिए। एक भाई ने देखा था क्योंकि मेरी गाड़ी के आगे टेलीकॉम लिखा है, तो वो लोग भी जानते हैं कि आज के टाइम में जो भी निकल रहा है वो इमरजेंसी वाला ही निकल रहा है। दोस्तों सेंचुरी का नाम सुना होगा, सेंचुरी पेपर मिल, ये यहाँ से देखिए, ये सेंचुरी आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्तों एक रेलवे लाइन तो मेरे साथ की इच्छा के लिए जा रही है, दूसरी ये जा रही है जो दिल्ली और उदयपुर के लिए जा रही है। यहाँ से ऊपर ये फ्लाई ओवर बना है। दोस्तों लाल कुआं के अंदर एक अजीब टाइप की स्मेल मिलेगी आपको यहाँ आने में, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं पता नहीं। बारिश होने के टाइम तो बहुत ज़्यादा स्मेल मिलती है, कागज बनता है तो उसके सड़ने का भी ऐसा कुछ रहता है। दोस्तों मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल सारे लोग दोस्तों सुबह यहाँ की दुकानें सारी खुल रही थी एक साथ, बहुत ज़्यादा भीड़ था, पता नहीं लॉकडाउन का कुछ था क्या था। अब देखता हूँ, फिर उस समय पुलिस भी आई थी, पुलिस चौक थाना तो यही है, पुलिस भी थी यहाँ इनकी दुकानों पे, मगर अब सारा कुछ शांत है। लगभग 9 बजे का बता रहा हूँ मैं, देखिए इतनी शांति यहाँ शायद लॉकडाउन के अलावा कभी रहती होगी, ये कोई सोच ही नहीं सकता। मैं भी इतने दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, लॉकडाउन में ही शांति है हर जगह, वरना कहीं कोई बंदी नहीं होती कभी भी। साप्ताहिक भी बंदी होती थी मगर ऐसी कभी नहीं होती थी, क्योंकि बहुत सारी दुकानें उसमें भी खुलती थी। आप सब लोगों ने सुना होगा हल्दू चौड़ का नाम, तो मैं इस समय ये हल्द्वानी की तरफ है, मैं इस समय हल्द्वानी ही जा रहा हूँ। ये है हल्दू चौड़, यहाँ पर लगती थी बाजार, यहाँ पर आजकल तो यहाँ की बाजार गायब है। दोस्तों यहाँ काफ़ी दुकानें थी यहाँ पर अब सारी यहाँ से रोड बनने वाला है, ये तो सारी दुकानें टूट गई। दोस्तों एक चौकी ये आएगी, ये देखिए, ये रोड बनने वाला है दोस्तों, तो इसकी वजह से काफ़ी कुछ मार्केट है यहाँ से, मतलब कटिंग चल रही थी रोडों की काफ़ी दिन पहले से। ये देखो दोस्तों बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ का माहौल, ये काफ़ी दिन का कटिंग हुई है। दोस्तों ये गौरव पड़ाव है और ये रोड के इस साइड और इस साइड ये खड़िया की फैक्ट्री है। दोस्तों यहाँ पर कार के शोरूम भी हैं, वो शायद जानते हैं कि हल्द्वानी में भी DRDO है। DRDO का मतलब सेंटर बिल्डिंग जो भी आप कहोगे वो यहाँ पर है, तो बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, देखा क्या पता भी नहीं होगा, ये मेरे को भी नहीं पता था काफ़ी पहले, मगर 3-4 साल से मेरे को पता लग गया। मैं नहीं समझता था कि हल्द्वानी में DRDO की बिल्डिंग जो दिख रही है आपको, DRDO की है ये वाली। ये रास्ता गया है DRDO के लिए, रोड के इस तरफ भी है और रोड के इस तरफ भी है जी, आगे रोड है। अभी तक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है इस पर, अभी तो लॉकडाउन है, क्योंकि ये यहाँ से हल्द्वानी बाईपास करके हाईवे बनने जा रहा है, जैसा कि जो पीछे रोड था वैसा रोड बनेगा ये पूरा, ये हल्द्वानी को बाईपास करके काठगोदाम में जाके निकलेगा। दोस्तों आगे पुलिस की चेकिंग, देखते हैं क्या होता है।
अंकल जी चलो, अंकल जी पुलिस पुलिस पुलिस, डरने की किधर गई। टाटा मोटर्स, और ये हम तीन पानी पे हैं, ये सिटी हॉस्पिटल हल्द्वानी तीन पानी। फिर तो ये सीधा रोड को नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए हल्द्वानी में काफ़ी आगे जाना है, और इस रोड पे मेरे को काफ़ी, इस रोड से निकलूँगा, उस रोड से जाने में मेरे को दिक्कतें आएंगी, इस रोड से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से मैं सीधे निकलूँगा टीटी नगर, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये देखो, ये दिख रहा है, ये है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये गेट है, उत्तराखंड मुक्त विद्यालय है। ये कंस्ट्रक्शन का रोड पे भी ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ये हल्द्वानी बाईपास समझो, जो कि डायरेक्ट रामपुर रोड से बरेली रोड को लिंक है। और दोस्त इस पे भी दोस्तों ये आया टीपी नगर, दोस्तों ये टीपी नगर है सामने, और ये रोड जो दोस्तों ये सीधे वहीं जा रहा है, ये मंडी की तरफ जाके मिलेगा। ये दोस्तों मैं लेफ्ट हैंड को जाना है मेरे को, दोस्तों ये मंडी है, कृषि मंडी उत्पादन। ये आ गए दोस्तों हम रामपुर रोड, और हमने जाना है इधर को, ये रोड टीपी नगर और उत्तरपुर के लिए जाता है, उत्तरपुर रामपुर मुरादाबाद। दोस्तों सामने आ गया सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, जो कि बोर्ड पे भी लिखा है डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल। ये देखिए ये वाला दोस्तों, आजकल तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है यहाँ पर रुकना, भीड़ लगाना। दोस्तों फिर मेरे को लेफ्ट हैंड होना है, और अब मैं यहाँ से निकलूँगा जेल रोड। दोस्तों सुशीला तिवारी बहुत बड़ा है, ये सारी बिल्डिंग इसी की है, और ये सामने भी इसी का है, ये कैंसर का हॉस्पिटल है, टीबी कैंसर, टीबी का है शायद ये वाला, सुशीला तिवारी का ही है, ये भी काफ़ी बड़ा है। दोस्तों मैं इस समय हल्द्वानी आ गया, और मैं अब चलता हूँ दूसरे रोड से, जेल रोड ना जाके मुखानी रोड से जाता हूँ। ये दोस्तों वहीं रोड पे चला जाएगा नीलकंठ हॉस्पिटल के लिए, और मैं इधर को जाता हूँ। दोस्तों ये लॉकडाउन का टाइम है तब ये है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आप खुद सोचो कितना भीड़ होती यहाँ पर, और यहाँ की तो शक्ति ही कुछ अलग है, और शहरों के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा शक्ति रहती है। दोस्तों आप देख ही सकते हो यहाँ पर लॉकडाउन का टाइम है, तब ये लोग अपने इमरजेंसी काम के लिए ही निकल रहे हैं, ज़्यादातर गाड़ियों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है, वही गाड़ियाँ निकल रही हैं, कुछ डॉक्टर्स लोग हैं या कुछ पैसा, मतलब और कोई फालतू का कोई दुकान या कुछ नहीं खुला है यहाँ। दोस्तों आप सब जानते होंगे शायद हल्द्वानी मुखानी चौराहे के बारे में, ये हल्द्वानी का सबसे बिजी चौराहा में से एक चौराहा है, मतलब एक जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा भीड़ और व्यस्त जगह है।
मुखानी, ये दोस्तों हॉस्पिटल है तिवारी और साईं हॉस्पिटल, ये साईं है, पीछे तिवारी था दोस्तों। मेरे लिए जाना है सीधे, ये दोस्तों काला डूंगी के लिए जाता है, हल्द्वानी शहर के लिए जाता है। मैं यहाँ से भी आ सकता था मगर मैं यहाँ से आया दोस्तों। ये भी एक हॉस्पिटल है ये वाला, विवेकानंद हॉस्पिटल, ये भी क्लिनिक है कोई, ये हॉस्पिटल है विवेकानंद। दोस्तों देखो आप यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम है तभी ये हाल है यहाँ के, भीड़ को देखिए। ये आ गया मुख्यमंत्री जी, तीरथ सिंह रावत जी, बंशीधर भगत जी। शहर के अंदर गाड़ी भगाना तो गलत है फिलहाल, रोड खाली है इसीलिए भगा रहा हूँ। और ये देखो ये बहुत खतरनाक है रास्ता, क्योंकि यहाँ कोई रुकता नहीं है, फिर भी डार्क निकली आते हैं लोग। दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं लास्ट करता हूँ, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों ये रोड सी है गार्ड गोदाम के लिए जा रहा है।